गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की डेट है 28 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल होने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होने वाला है। क्या आर्टिकल है? आर्टिकल ये ही है कि केरला में 14 नवंबर के दिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमन टीचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। केरला की जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टीचर थी, उसको पढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टीचर का नाम था ना नोवा था। तो हम इस नोवा के कुछ फीचर देख लेंगे। देखो मेंस में तो क्वेश्चन आएगा ना, वो एआई के आधार पे आएगा। प्रीलिम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो चैट जीपीटी वगैरह के बारे में पूछ सकता है, वहीं नोवा के बारे में पूछ सकता है कैसे काम करता है। तो नोवा के फीचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये एआई एकीकरण यानी एआई इंटीग्रेशन आधारित है, यानी कि ये उपयोग करता है ना वो चैट जीपीटी 4 का उपयोग करता है। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी 4 का, उसके आधार पर और ओपन एआई के आधार पर ये काम करता है। यानी कौन से मॉडल को यूज़ करता है, ये ओपन एआई और चैट जीपीटी 4 को यूज़ करता है। ये पाठ यानी टेक्स्ट को यूज़ कर सकता है, ऑडियो को यूज़ कर सकता है और वीडियो, इन सब के माध्यम से इंटरेक्शन करने में सक्षम है। अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछना है तो पीडीएफ इसमें अपलोड करो और ये आपके क्वेश्चन का जवाब दे देगा। तो इसकी पहली विशेषता यही है, इसमें एआई है वो इंटीग्रेट है, एकीकरण की गई है। ये चैट जीपीटी 4 का यूज़ करता है, ओपन एआई का यूज़ करता है, इसके माध्यम से ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से इंटरेक्ट है वो कर सकता है। क्वेश्चन पूछना है तो पीडीएफ के माध्यम से जो आपकी बुक्स है उसको इसमें अपलोड करो और ये जाके वहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दे देगा। अब दूसरे फीचर के बारे में बात करें तो ये इसमें बहुत सारी भाषाओं का भी कौशल है, यानी भाषाएं जो होती है उसको सिखाने में भी सक्षम है। इसको कई सारी भाषा आती है, यानी कि बहुत बहुभाषी है, बहुत सारी भाषाओं का इसको नॉलेज है। ये इंग्लिश में बात करने में सक्षम है, मलयालम है, हिंदी है, अरबी है, कई भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। तीसरे फीचर के बारे में बात करें तो ये इंटरेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। इंटरेक्टिव लर्निंग मतलब कुछ क्वेश्चन है वो आपकी बुक से पूछेगा, आपके जो सिलेबस है उससे पूछेगा, और कुछ क्वेश्चन है वो ऐसे पूछेगा जो आपके सिलेबस से नहीं है, कुछ बाहर के क्वेश्चन पूछेगा। इससे क्या होगा, बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, जानने की इच्छा पैदा होगी। तो नोवा की फीचर हम जान रहे हैं। पहला फीचर देखा कि इसमें एआई इंटीग्रेटेड है, ये ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से जवाब दे सकता है। दूसरा हमने फीचर देखा कि इसे बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज है, ठीक है, ये बहुभाषी है। तीसरा हमने फीचर देखा कि इंटरेक्टिव लर्निंग करता है, क्वेश्चन पूछता है, जिससे क्या होगी बच्चों में जिज्ञासा बढ़े, ठीक है, कौशल विकास की ओर भी ध्यान देने का काम करता है। ये इसके कुछ फीचर थे। यहाँ पे ये आर्टिकल दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पर हमारे जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है वो बात की गई है। आर्टिकल 45 है, 21 है, 15(1), तो ये सारे जो आर्टिकल हैं वो संविधान में दिए गए हैं जो एजुकेशन को, शिक्षा को प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दूसरा, वो आर्टिकल है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, ग्रेप के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखो क्या है, दिल्ली में एयर क्वालिटी का स्थिति खराब थी, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या लगाया हुआ था, वहाँ पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 है वो लागू किया गया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने डेटा लिया है, किसका डेटा लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM क्या है, CAQM की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके डेटा के आधार पर, इस डेटा में कहा गया था कि दिल्ली में एयर क्वालिटी की स्थिति में सुधार है। अगर एयर क्वालिटी की स्थिति में सुधार है तो वहाँ पर जो ग्रेप 4 लगा है उसको हटा के ग्रेप 2 लगा दिया जाए। हम आगे देखेंगे ग्रेप क्या होता है। तो अभी है वो CAQM के जो डेटा दिया गया, इस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि दिल्ली में जो ग्रेप 4 लगाया गया है उसको हटाकर ग्रेप 2 लगा दिया जाए, इसलिए सुर्खियों में। तो आपको सुर्खियाँ समझ में आ गई है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन था, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर ग्रेप 4 लगा दिया गया था, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 लगा दिया गया था। पर सुप्रीम कोर्ट को डेटा दिया, किसने डेटा दिया, CAQM ने डेटा दिया। CAQM के डेटा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहाँ पर GRAP जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 है उसकी जगह पर 2 लागू किया जाए। आगे हम देखेंगे इनमें अंतर क्या है। तो ये चीज़ अपनी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो CAQ हमें उनको बोला है कि जो पंजाब और हरियाणा में पेड़ी जो कृषि होती है, मतलब जो खेती होती है, उसके बाद में कुछ बच जाता है, खेती के अवशेष बच जाते हैं,
तो वो कितना उसको जलाया गया है उसका डेटा भी है सुप्रीम कोर्ट में देने के बारे में बात करिए। ये CAQN को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में है ना अलग अलग 8 सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं आप बताना जरूर, क्योंकि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि इसमें 8 होते हैं, 8 प्रकार के इसमें प्रदूषक होते हैं। इस 8 प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं उनको देखा जाता है, 24 घंटे उनको मॉनिटर किया जाता है, उस आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को निकाला जाता है। अब इसमें है ना ये तय होता है, अगर वो 0 से 50 के बीच में आता है तो वो तो अच्छी एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी है, इसके नीचे अगर आता है तो वो खराब है। जैसे 100 के बीच में अच्छी सेटिस्फैक्ट्री है और लास्ट 400 और 500 के बीच में सीवियर है, यहाँ पर आप रह भी नहीं सकते हो, ऐसी स्थिति है। अब जो बात करें थे हम GRAP ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, वो इसके आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर लागू किए जाते हैं। अगर एयर क्वालिटी खराब है, ज़्यादा खराब है, तो इसमें भी ये स्थिति बढ़ती जाएगी। अगर ये नीचे आएगा ना तो ये भी नीचे आता रहेगा, है ना, GRAP है ये भी नीचे आएगा। अगर यहाँ पे एयर क्वालिटी है वो 400 और 500 के बीच में है तो वहाँ पर ग्रेडेड एक्शन प्लान है वो 4 लगेगा, अगर 200-300 के बीच में है तो ग्रेडेड एक्शन प्लान है वो 3 लगेगा, इस प्रकार से ये काम करेगा। तो ये आप समझ लेना, ये जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो डिपेंड करता है एयर क्वालिटी की इंडेक्स पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या दिखा रहा है उस आधार पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लो ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान के बारे में, तो ये अलग प्रकार की इसकी स्टेज है। अगर 1 स्टेज है इसमें क्या होगा, एयर क्वालिटी में 200 और 300 के बीच में है, अगर एयर क्वालिटी है तो 200 और 300 के बीच में, हमने देखा ना अभी ऊपर, अगर 200 और 300 के बीच में, यहाँ पे देख लो 200 और 300 का मतलब है खराब स्थिति है, तो अगर इस स्थिति में है ना तो वहाँ पर लगाया जाएगा ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी ग्रेप वन लगाया जाएगा। ग्रेप वन में क्या होगा, इसमें पब्लिक एडवाइजरी जारी की जाएगी, डस्ट को कंट्रोल करने के बारे में बात की जाएगी, कुछ बर्निंग होता है उसको रोकने के बारे में बात की जाएगी ग्रेप वन में। फिर अगर एयर क्वालिटी यहाँ पहुँची 300-400 के बीच में तो 2 को लगाया जाएगा, 2 में क्या होगा, डीजल जो जनरेटर वगैरह होता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो मशीन है उनको भी रोका जाएगा, और रोड पे है वो पानी छिड़का जाएगा, 2 में पानी छिड़का वगैरह ये किया जा रहा है। फिर और भी एयर क्वालिटी ख़राब हुई 400-500 पे, 450 पे आ गई है तो 3 लगाया जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें बैन किया जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन है उसको बैन किया जाएगा, हैवी व्हीकल की एंट्री को बैन कर दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो 3 में की जाएगी। अब फिर 4 में क्या होगा, अगर 450 से ऊपर है ना एयर क्वालिटी तो यहाँ पे GRAP 4 लगा दिया जाएगा। GRAP 4 में क्या होगा, स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, व्हीकल है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, और इवन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से GRAP काम करता है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस आधार पे, जितनी एयर क्वालिटी खराब होगी उतना GRAP है वो बढ़ता जाएगा, अगर सीवियर होगा तो यहाँ पे GRAP 4 लगाया जाएगा। तो दिल्ली में अभी 4 था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब स्थिति सुधर रही है, तो इसको 2 में लाया जाए, यहाँ पर लाया जाए, ये तो पूरी तरह से दिल्ली को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब है वो 2 को लागू करने के बारे में बात की गई है। इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पे बात की गई है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के बारे में। हमें अब ऊपर CAQM के बारे में हमने चर्चा करी थी, CAQM क्या है, इसने सुप्रीम कोर्ट को डेटा दिया था, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं ये है क्या। दरअसल इसे एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था, इसे एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। कौन सा एक्ट था, एक्ट का नाम था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021, मतलब NCR रीजन जो एक्ट था 2021 का, उस आधार पर इसे बनाया गया था। इसका मतलब ये एक वैधानिक निकाय है, ये एक स्टेचरी बॉडी है। तो CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसे एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था, 2021 का एक्ट था उसके माध्यम से बनाया गया था, इसलिए ये एक स्टेचरी बॉडी है। काम क्या करती है, काम ये करती है दिल्ली का जो NCR रीजन है वहाँ पर एयर क्वालिटी की स्थिति कैसी है उसको कोऑर्डिनेट करती है, उसके लिए रिसर्च करती है, आइडेंटिफाई करती है, उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, प्रॉब्लम जो भी होती है उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम है वो CAQM करती है। तो CAQM के बारे में देख लो, CAQM ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के जो भी एरियाज हैं वहाँ पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम था उसके आधार पर इसे लाया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है, उद्देश्य क्या होगा, NCR रीजन के आसपास में जो भी समस्या होती है उनके बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए ये काम करेगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेप क्या है, इसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
बताया गया था और 2017 से इसे लागू कर दिया गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ किया था 2016 में, 17 से इसे नोटिफाइड कर दिया गया था। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट है, एक्सपर्ट है, तो ये सारी चीज लोग बैठे साथ में और डिसाइड किया कि अगर ऐसी स्थिति दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की होती है तो उसके लिए ग्रेप को लागू कर दिया जाना चाहिए। तो ये ग्रेप के बारे में बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी कंडीशन में ही लागू किया जाता है, जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब ही ग्रेप को लागू किया जाता है, ऐसे नॉर्मल दिनों में ग्रेप को लागू नहीं किया जाता है, पूरे वर्ष ये लागू नहीं रहता, मोस्ट ऑफ सीजन होता है विंटर का, इस दौरान ही इसको लागू किया जाता है, तब जाके जब खराब हो जाती है ना एयर क्वालिटी तब इसको लागू किया जाता है, और मोस्ट ऑफ NCR रीजन के लिए ही इसे लाया गया था। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने देख लिया ग्रेप के बारे में भी देख लिया, हमने CAQM के बारे में भी देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी है वो ख़राब है इसलिए हो रही है, तो इसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है। तो वे फॉरवर्ड के बारे में बात हो रही है कि अगर एयर क्वालिटी ख़राब है, हमने मान लिया एयर क्वालिटी ख़राब है इसकी वजह से ये सब होता है, तो परमानेंट सुधार लाओ ना, कब तक इसको GARP को लागू करोगे, कब तक ग्रेप को बार बार लाया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर वे फॉरवर्ड में कुछ समाधान बताए गए हैं कि कैसे करके सुधार किया जा सकता है। तो पहले तो स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, जो निगरानी तंत्र होता है, निगरानी तंत्र उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। कौन को निगरानी करता है, जो ग्रेप को लागू करता है अधिकारी, पहले उनकी संख्या बढ़ाओ, फिर रियल वास्तविक समय उसके आधार पर इसकी निगरानी करो। तो ग्रेप के जो प्रतिबंध हैं उसकी सख्ताई से इसका पालन होना चाहिए, जब भी इसको लगाया जाए तब इसकी सख्ताई इसका पालन हो, इसके लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उसकी तैनाती की जाए, अधिक पर्सनल की आवश्यकता है तो उसकी तैनाती की जाए, और रियल टाइम में है मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है जवाबदाही तंत्र में स्थापित किया जाएगा, एक रेस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए, जो भी अथॉरिटीज़ है इसके लिए अकाउंटेबल है, अगर उससे कोई लैप्स होता है, गलती होती है तो उसको जवाबदेही तैयार किया जाएगा कि आज तू रेस्पॉन्सिबल है, तेरे पर कार्रवाई होगी। समझ में आ रही है, अगर कोई अधिकारी है उस वो है वो ग्रेप को लागू नहीं कर रहा है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण है, एनवायरमेंट प्रदूषण है या एयर पॉल्यूशन है, उसके जो उपाय है उसको लागू नहीं कर रहा है, तो उस अधिकारी की जवाबदेही तय करो भाई कि तेरा काम था, तू लागू क्यों नहीं कर पाया ढंग से, तेरा काम था ना, तूने काम क्यों नहीं करा, तो उसकी जवाबदेही तय करो। जब तक आप उसकी जवाबदेही तय नहीं करोगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करोगे, तब से वो ढंग से काम नहीं करेगा। ये तो शॉर्ट टर्म के काम हो गए कि भाई ग्रेप को सही से लागू करो, जवाबदेही तय करो। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी की उससे प्रमोट करो, क्लीन एनर्जी को, चूल्हे पे रोटियां बना रहे हो नहीं जी, ऐसे नहीं चलेगा, क्लीन एनर्जी को बनाओ, प्रमोट करो, जैसे अभी गवर्नमेंट कर ही रही है ना कि गैस प्रोवाइड कर रही है, CNG LPG को बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोवाइड कर रही है, जो तेल है मतलब पेट्रोल वगैरह है उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है, क्लीन एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दो, एक आदमी एक कार लेके जा रहा है, दूसरा आदमी दूसरी कार लेके जा रहा है, तो कितनी भीड़ हो रही है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसका समाधान यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दो, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ में पेड़ लगाओ, वही कॉमन सी आइडियाज है, शहरी शहरों को जो बनाओ तो एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाना चाहिए, एक नियोजन तरीके से शहरों को बनाया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्या देखने को न मिले। फिर वही है, नीतियों को नियमित मूल्यांकित करें, अगर ग्रेप को लागू किया जाता है तो समय समय पर इसका आंकलन करो, जमीन जो भी ग्राउंड लेवल पर स्थिति है उसको बताओ भाई इस प्रकार का ये काम हो रहा है, सही से लागू किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो नियमित रूप से इसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल ग्रेप के बारे में था। फिर हमने CAQM के बारे में देखा, क्या उनमें अंतर है, क्यों बनाया गया था, किस प्रकार की वो बॉडी है, ये सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल में डिस्कस करी, बहुत सिंपल सा आर्टिकल था, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है G20 समिट के बारे में, कभी कहाँ अभी आयोजित हुआ है, अभी आयोजित हुआ है ब्राज़ील में, ब्राज़ील की सिटी है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है, इसमें अभी फाइनल वर्डिक्ट निकला है, इसमें फाइनल में क्या क्या बातें की गई उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों पर फोकस किया गया है, इसकी जो की थीम है उस पर फोकस किया गया है। तो पहला इसमें बात की गई है वैश्विक भूख और गरीबी के बारे में, ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लूला दा सिल्वा, नाम तो बढ़िया यार, लूला दा सिल्वा, इन्होंने भाई क्या कहा है लूला दा सिल्वा ने, तो लूला दा सिल्वा जी है ना, ये है ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इन्होंने कहा है कि जो गरीबी है ना वो मानवता को शर्मसार करने वाली विपत्ति है,
बात तो बढ़िया करी भाई, गरीबी बहुत खराब होती है। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली विपत्ति है। इंग्लिश वालों, सोर्ज ऑफ द सेम ह्यूमिनिटी, जो मानवता है उसको शर्मसार कर देती है, ये लूला दी सिल्वा जी ने कहा है। तो इनके लिए इन्होंने कुछ समाधान भी बताए हैं भाई। इन्होंने कहा गरीबी है बहुत खराब है, तो कहें गरीबी को कम कैसे करें, तो कम करने के लिए इन्होंने कुछ समाधान दिए। तो क्या समाधान दिए इन्होंने, इन्होंने कहा है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, सुपर रिच लोग, उनकी संपत्ति पर 2% टैक्स लगा दिया जाए, जिससे काफ़ी डॉलर इकट्ठे हो जाएगी, काफ़ी बिलियन रुपए इकट्ठा हो जाएगी, उससे गरीबी को कम कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा है ग्लोबल साउथ के जो रीजन है ना, उनको बढ़ावा दिया जाएगी, उनकी जो भी नीति है उनकी वकालत के बारे में बात की गई है। बट इन्होंने जो कहा वो प्रैक्टिकल पॉसिबल था नहीं, इसलिए इनकी जो भी सुझाव थे उनको अपनाया नहीं गया है। फिर ये तो आ गई ब्राज़ील की लूला दी सिल्वा। अगर बात हो रही हो कोई भी इंटरनेशनल समिट की, जहाँ पर हमारे मोदी जी जा रहे हो और मोदी जी की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं। तो मोदी जी गए और मोदी जी ने बात कर दी अपनी। अब मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा है वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ, मोदी जी हमेशा बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। तो ग्लोबल साउथ का जो भी अभी है ना प्रभाव, वो इसकी ज़रूरतें ज़्यादा है। जो भी ग्लोबल साउथ है उसकी जो भी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, उसकी अभी पूरे वर्ल्ड में स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको महत्व बहुत कम दिया जा रहा है, इसको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कम दिया जा रहा है। तो मोदी जी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ है उसके साथ में अभी जो उसका प्रभाव है वो असंगत है, इसको प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात की उन्होंने। इन्होंने कहा है कि अभी जो लेटेस्ट G20 समिट हुए थे, 22 में इंडोनेशिया में हुआ था, 23 में यहाँ पे अपने हुआ था भारत में, फिर ब्राज़ील में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, तो ये सब देख के आपको लगता नहीं कि हमारे जो ग्लोबल साउथ के देश है उनका महत्व बढ़ता जा रहा है? अगर महत्व बढ़ता जा रहा है तो हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। तो पहली बात हुई थी भूखमरी के बारे में, दूसरी हमारे मोदी जी ने बात कर दी ग्लोबल साउथ के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में बात कर दी। तो ये दोनों पॉइंट है, काफ़ी चर्चा का विषय रहा G20 समिट के दौरान में। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है अदानी जी के बारे में। अब अदानी जी पर बार बार लगते रहते केस, इस बार फिर से US का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि अदानी जी ने है ना भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया है। क्या किया है? ब्राइब यानी रिश्वत दी गई है, ये सब बातें की, इन्होंने रिश्वत का आरोप लगाया है अडानी जी पर। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। हम बात कर लेते हैं इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये जो आरोप लगा है इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या सुझाव होने चाहिए इसके लिए। बात करें इसके पहले आरोपों के बारे में, क्या आरोप लगे हैं। इन्होंने कहा शेयर में इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, जो शेयर की प्राइस होती है उनमें हेरफेर की है, जो पक्षपात थे इन्होंने खुलासा नहीं किया, जो लेन देन होती है उनमें खुलासा नहीं किया है, राउंड ट्रिपिंग की है इन्होंने और रेगुलेटरी उस पर कब्जा किया है भारत। ये तो इन्होंने आरोप लगाए हैं। भारत ने क्या कहा, भारत में विपक्ष तो कह रहा है कि JPC बिठाऊं, संयुक्त संसदीय कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाऊं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि हमें भरोसा है कि जो SEBI ने जांच करी है वो सही करी होगी। मोदी सरकार है उन्होंने भी कहा है कि जो अदानी है उनको जो जांच नहीं है, क्योंकि उन पर जो आरोप है वो बेबुनियाद है और जांच नहीं की जानी चाहिए। ये प्रत्यारोप आरोप चलते रहते हैं, विपक्ष का ये कहना है, इंटरनेशनल मीडिया का क्या कहना है और मोदी जी का क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा वो हम चीज़ें देख लेते हैं। असर के बारे में बात करें तो सबसे पहला असर पड़ेगा शासन की ईमानदारी पर, इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। देखो आपको क्या लगता है, बार बार जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनको इस प्रकार से जांच में बताया जाएगा, बचाया जाएगा, तो आम जनता होगी उसका विश्वास कम होगा ना। आम जनता को क्या लगेगा कि देखो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जो पैसे वाले होते हैं, वो कुछ भी करें उन पर केस कभी नहीं चलता है, एक आम लोगों के मन में धारणा बन जाएगी। तो शासन की जो ईमानदारी होती ना, हमें भरोसा होता है शासन है, गवर्नेंस है, उसकी इंटीग्रिटी पर हमें भरोसा होता है कि हमारा जो कानून है वो हमारी रक्षा करेगा, तो उस पर हमें है ना भरोसा उठने लगता है। तो पहला पॉइंट यही है, शासन की ईमानदारी पर भरोसा जनता का कम होगा। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वहाँ पर भारत की जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक पॉइंट यही है कि इससे इन्वेस्टर है उसके जो हित है वो भी नुकसान पहुंच सकता है, किसने अदानी के जो भी शेयर वगैरह थे उसमें इन्वेस्ट किए होंगे तो शेयर नीचे आएंगे तो इसमें इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। चौथा पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का, जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके खिलाफ अगर जांच नहीं होती है तो ये राजनीतिक पक्षपात का मामला आ जाता है, ये दंड की मुक्ति का एक मिसाल कायम कर देती है कि इनको कभी अपराध में, इनको कभी अपराधी नहीं ठहराया जाता है, आरोप कभी इनके साबित नहीं होते हैं,
तो ये राजनीतिक और जो भी बड़े जो लोग होते हैं उनके बीच में एक सांठगांठ का मामला देखने को मिलता है, और इस प्रकार की एक मिसाल कायम हो जाती है। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिए कि इसका नुकसान क्या होता है, क्या सुझाव क्या किया जा सकता है। तो देखो, इंडिपेंडेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से कोई एजेंसी हो इसकी जाँच करे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, इसकी जो पारदर्शिता उसको दिखाया जाए, जवाबदेही तय की जाए, जो पॉलिटिकल और कॉरपोरेट नेक्सस होता है उनमें रिफॉर्म लिया जाए, और इस रिफॉर्म में के माध्यम से कॉरपोरेट जो नेक्सस होता है उसे कम किया जाए, क्योंकि इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा। अगर ऐसे नेक्सस होता रहेगा तो जनता का भरोसा है वो कम होता जाएगा। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन के माध्यम से इस प्रकार की जो भी अगर आरोप है वो बेबुनियाद है तो इस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर जुडिशियल ओवरसाइट मतलब न्याय विभाग को भी आगे आना चाहिए, न्यायालय को आगे आना चाहिए, और इस मामलों में अपनी जो भी प्रेजेंस दिखानी चाहिए, ये इस पर एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड में। तो ये आर्टिकल पूरा अडानी जी पर जो भी बेबुनियाद है या जो भी आरोप थे उनसे संबंधित था। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बात चले तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है भूनीर पोर्टल के बारे में। अभी भूनीर पोर्टल को लॉन्च किया है। भूनीर पोर्टल है क्या? भूनीर पोर्टल के बारे में बात करें तो देखो, ग्राउंड से हमें निकालना होता है वाटर, ग्राउंड से क्या निकालना होता है, वाटर निकालना होता है। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? परमिशन लेना पड़ता है। कहाँ से परमिशन लेना पड़ता है? गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता है। पहले परमिशन लेना काफ़ी टफ था, अलग अलग बॉडीज थी उनके पास में जाना पड़ता था, बट अभी क्या किया है सरकार ने, एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है भू नीर पोर्टल। अगर आपको कोई किसी भी कारण की वजह से आपको ग्राउंड से पानी निकालना है, ग्राउंड वाटर निकालना है, ठीक है, इसका उपयोग करना है, तो आप भू नीर पोर्टल पर जाओ, वहाँ पर एक अपनी आईडी है जैसे पैन कार्ड है उसको रजिस्टर करो, उसके माध्यम से आपको एनओसी मिल जाएगी और आप जो है वो ग्राउंड से वाटर निकाल सकते हो। अब इसको किसने बनाया है ये तो बात करें, हम कैसे काम करता है, बनाने के बारे में बात करें तो इसको बनाया केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने, जिसकी हेल्प की है एनआईसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने इसकी हेल्प की है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसको केंद्रीय भूजल विज्ञान प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने इसकी हेल्प किसने की है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसकी हेल्प की है। तो भू नीर पोर्टल क्या है? ये जो ग्राउंड वाटर होता है, भू का मतलब होता है धरती, नीर का मतलब होता है जल, तो धरती में से जल निकालने के लिए जो परमिट की आवश्यकता थी उसके लिए एक केंद्रीकृत मंच है, वो भू नीर पोर्टल है। किसने बनाया है? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसे विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? जो भू से पानी निकाला जा सकता है, ग्राउंड से वाटर को निकाला जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और कुशलतापूर्वक उसका उपयोग किया जाए, ये सब इसके उद्देश्य है। भूजल जो संसाधन होता है उसका कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से विनियमित किया जाए और इसका पारदर्शी और स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। भूनीर पोर्टल एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, ये केंद्रीकृत डेटाबेस है, इसमें जो आम आदमी होता है उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप पानी निकालते हो ग्राउंड वाटर से तो इसमें सरकार के क्या नियम है, राज्य सरकार के क्या नियम है, केंद्र सरकार के क्या नियम है, क्या कानूनी ढांचा है, किस प्रकार से ये काम करता है, उन सब के बारे में ये जानकारी प्रदान करता है भू नीर पोर्टल। यानी कि जितने भी लीगल जो भी रिफॉर्म हो, जो जितने भी लीगल प्रावधान होते हैं वो इसमें दे रखे हैं, एक केंद्रीकृत तरीके से, एक सेंट्रलाइज तरीके से इसमें लीगल प्रोविजन है वो दे रखे हैं। साथ ही साथ में इसका जो डेटा है ना, जो भी इंटरफेस है वो काफ़ी ईजी है, मतलब इसमें पैन कार्ड से जाओ, अपनी पैन कार्ड आईडी और रजिस्टर करो, क्यूआर कोड आता है उसे स्कैन करो और एनओसी प्राप्त करो, तो इसका जो इंटरफेस है ना वो जो यूज़र होते हैं उसके अनुकूल है, मतलब इसका इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इसमें जो पहले था ना वो काफ़ी टफ था, इससे पहले जो भी संस्था थी, जो भी पोर्टल था वो काफ़ी टफ था, लेकिन ये काफ़ी उन्नत है, बेहतर तरीके से काम करता है। ये सारे जो भूजल के नियम है, ग्राउंड वाटर से संबंधित जो भी रेगुलेशन है उनको पालना करता है और वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो ये हमारा आर्टिकल था भूनीर पोर्टल के बारे में, लॉन्च कर दिया गया है, वहाँ जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी कौन करता है? पहला क्वेश्चन यही है, तो यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। यूनिसेफ ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट बात करी है, कुछ पॉइंट में जिक्र किया है, उसको हम देख लेते हैं। यूनिसेफ ने किन किन पॉइंटों के बारे में बात की है, तो इनके की फाइंडिंग के बारे में बात करी, तो इन्होंने पहली बात की है
क्लाइमेट एनवायरनमेंट हैजार्डस के बारे में। इन्होंने कहा है कि अभी वर्ल्ड में है 1 बिलियन ऐसे बच्चे हैं जो क्लाइमेट और जो एनवायरमेंटल रिस्क है उनको फेस कर रहे हैं। तो इनका कहना है किसका, यूनिसेफ का, अपनी रिपोर्ट में 1 बिलियन बच्चे ऐसे हैं वो वनरेबल है किससे, एक्सट्रीम वेदर से, जो पॉल्यूशन है उससे और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है उससे, कई सारी बीमारियां हैं उससे, इन सबसे बच्चे हैं वो प्रभावित है। यानी कि जलवायु पर्यावरण संबंधी जो खतरे हैं उनसे 1 बिलियन बच्चे हैं वो प्रभावित हैं। उनमें प्रदूषण है, चरम मौसम की घटना है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, बीमारियां हैं, उनसे ये बच्चे प्रभावित है। तो पहले पॉइंट में इन्होंने जलवायु और पर्यावरण के खतरे उसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बात करी है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बात की है कि 2050 तक जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, मतलब जो जीवित शिशु है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, अभी जो रेट है उससे बढ़ जाएगा, 98% है वो बढ़ जाएगा, और 5 साल तक के जो बच्चे उनकी जो संख्या है वो 99% बढ़ जाएगी, और जीवन जो प्रत्याशित दर है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दर, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बात करी है। तीसरा इन्होंने पॉइंट रखा है इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर, जो चरम मौसम की घटनाएं होती हैं उनका जो प्रभाव है वो भी कुछ 400 मिलियन बच्चे हैं उन पर देखने को मिला है। इससे क्या होगा, जो बच्चे थे ना उनकी स्कूलें बंद हो गई है, जिससे उनको शिक्षा और आर्थिक विकास है वो बाधित हुआ है। तो एक्सट्रीम वेदर का जो इवेंट है उनका सबसे बड़ा असर है वो बच्चों पर देखने को मिला है, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। साथ ही साथ में वैश्विक बाल जनसंख्या रुझान के बारे में भी बात किया है। इन्होंने कहा है 2050 तक बच्चों की संख्या है ना वर्ल्ड में वो 2.3 बिलियन हो जाएगी, वो ज़्यादातर बच्चे हैं वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी जो अफ्रीका है वहाँ पर ये इनकी संख्या में वृद्धि होगी, तो इनको कई समस्या का वहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। कुछ इन्होंने अच्छी बातें भी की हैं। इन्होंने अच्छी बात ये की है कि टेक्नोलॉजी है उसका एडवांसमेंट हुआ है, उसका फ़ायदा है वो बच्चे को हो सकता है। जैसे कि क्या है, जैसे ये फ़ायदा देखने को मिल सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, वैक्सीनेशन है वो भी बढ़ रहा है, इससे क्या होगा बच्चों की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है। इन्होंने इसके अलावा एक भी बात की, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में बात करिए। इन्होंने कहा है कि 2050 तक 23% ऐसे बच्चे हैं वो कम आय वाले देश में रहेंगे। तो ये सारी इन्होंने डेटा दे के बात करी है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा शहरीकरण में जो रहने वाले बच्चे उनकी संख्या है वो भी 2050 तक बढ़ जाएगी, अभी है वो 44% रह रहे हैं और जो 2050 तक है ये 60% संख्या हो जाएगी। तो ये भी इन्होंने इस जो रिपोर्ट है उसमें बात करी है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल गैप के बारे में बात की है। कुछ बच्चे हैं जो एडवांस कंट्री के हैं उनके पास में 95% लोग हैं इनके पास में इंटरनेट का उपयोग है, वो इंटरनेट का एक्सेस है, लेकिन गरीब देशों वाले जो लोग हैं उनमें 26% लोगों के पास ही इंटरनेट का एक्सेस है। तो ये डिजिटल में जो है ना भेदभाव देखने को मिलता है, डिजिटल एक्सेस में गैप देखने को मिलता है, इसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। तो ये कुछ पॉइंट इनके बारे में था। अब इस रिपोर्ट के बारे में बात करें, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, विश्व बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट, इसे कौन प्रकाशित करता है, तो इसे रिलीज किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। थीम क्या होता है, जनसंख्या की परिवर्तन, जलवायु संकट, तकनीकी प्रगति को संबोधित करना, बच्चों के अधिकार को साकार करने वाला भविष्य सुरक्षित करना, ये इसकी थीम है। सिक्योरिंग द फ्यूचर वे चिल्ड्रन राइट रियलाइज्ड एड्रेसिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फिर क्लाइमेट क्राइसिस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये है इसका थीम। की फाइंडिंग हमने देख लिया है, जनसंख्या की बदलाव देखने को मिलेगा, जलवायु पर्यावरण का असर देखने को मिलेगा, जो एडवांसमेंट देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी में, ये सारी बातें इसकी रिपोर्ट में ये की जाती है। बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ को इस्टाब्लिश किया गया था 1946 में, 1946 में इसे स्थापित किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। क्या काम करता है ये, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनकी भविष्य को सुरक्षित करने का ये काम करता है। 190 से ज़्यादा देश है उसमें ये अभी सक्रिय है। फंड कहाँ से मिलता है, फंड जो पब्लिक सेक्टर से मिल सकता है यानी कि गवर्नमेंट दे सकती है, जो निजी सेक्टर आम आदमी है वो भी इसमें फंड दे सकते हैं, ये है वो स्वैच्छिक है। अगर आपकी इच्छा है आप चाहो तो दो, न चाहो तो मत दो, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं कर रहा, आप कोई गोली मार के नहीं कह रहा कि भाई हमें फंड दो, आप पर डिपेंड करता है। इसको कई पुरस्कार भी मिले हैं, नोबेल प्राइज मिला है शांति के लिए। क्या काम किया भाई शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो यार ये संस्था काम कहाँ करती है, हमें तो कभी इनका फ़ायदा नहीं मिला, मिला होगा पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला है, और ये भी और भी पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पुरस्कार कौन कौन से मिला, बस ये नोबेल पुरस्कार को याद रखना, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं। ये रिपोर्ट याद रखना, इसकी द स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्ट है ना,
ये कौन प्रकाशित करता है इसका पता होना चाहिए, तो यूनिसेफ देता है, यूपीएससी पूछ लेगा ना तो याद नहीं आएगी। तो स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती है। ये इनकी कुछ पहले हैं, कौन कौन सी पहले याद रहे तो कर लो। एक तो है चिल्ड्रन को सेव करना है, बच्चों के अधिकार है उसके बारे में बात करता है, और शिक्षा तक पहुँच के लिए डेटा मस्ट स्पीक पहल है वो भी इनकी है। तो डेटा मस्ट स्पीक पहल किसकी है, यूनिसेफ की है, ठीक है। तो ये दो पहलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पहल मतलब इनिशिएटिव, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। दो बातें हो गई, पता चल गया, चल गया। ये क्वेश्चन है देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 29 मीटिंग हुई थी उसके बारे में। तो यहाँ पर एक अलायंस बना है उसके बारे में, तो हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं इस अलायंस के बारे में, क्या हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28 मीटिंग कहाँ हुई थी, यूएई में। इस दौरान यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई ने एक अलायंस था उसके बारे में बात की थी। इस अलायंस का नाम था ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, इसके बारे में जिक्र किया था और अभी इसको अपना लिया गया है। तो अभी इसका टारगेट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी जो अलायंस है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक जो वार्षिक वैश्विक ऊर्जा दक्षता है ना, एनर्जी एफिशिएंसी है ना, उसको दुगना करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है, कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, उसे कम करना। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, इसे दुबई के द्वारा, सॉरी यूएई के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब, कॉन्फ्रेंस ऑफ 29-28 बैठक हुई थी उसमें, और अभी 9 वाली हुई 29-29 उसमें इसको अपनाया गया है। इसका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो ऊर्जा दक्षता है, ठीक है, उसकी दरें हैं उसको दुगुना करना है, कार्बन का जो एमिशन होता है उसे कम करना है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है, ऊर्जा दक्षता की दरों को दुगुना करना, पहला इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया। विजन, नेचुरल जो रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी खपत को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करना है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28 में यूएई की जो आम सहमति हुई थी उसके बारे में बात की गई है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत है उसे कम करना है, ये इसका विजन है। उद्देश्य देख लिया है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, विजन है जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी खपत को कम करना। नेतृत्व किसने किया था, यूएई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और बाद में ज्ञान को बांटना है, वही सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है, ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या कार्य किया जाएगा, ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाना है, इसके लिए इसमें निवेश को प्रोत्साहित करना है, साथ ही साथ में जो प्रौद्योगिकी है, नीतियाँ है, उस प्रकार से बनाए ताकि अपने जो लक्ष्य किए हैं उसे पूरे किए जा सके, ये इस पर टारगेट है। अफ्रीका पर ज़्यादा ध्यान देने के बारे में बात करिए, अफ्रीकन जो भी कंट्रीज है वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, इसके बारे में भी बात की गई है इस अलायंस के अंतर्गत। बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, ये था ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस था। इसके बाद में आता है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, एनर्जी एफिशिएंसी दोनों जगह यूज हो रहा है, वो है ग्लोबल है, ये इंटरनेशनल है, वो अलायंस है, ये हब है, इसे लाया गया था 2020 में, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले था इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन, ये IPEEC था। अब इसकी जगह क्या आया है, IEEH आया है, IEEH इससे पहले IPEEC था, ठीक है। तो ग्लोब इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब 2020 में लाया गया था, याद आएगा कब लाया था, 2020 में लाया था। इससे पहले क्या था, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन, भारत इसका मेंबर था, हाँ भारत IPEEC का मेंबर था, भारत IPEEC का मेंबर था, तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब का भी मेंबर है, ठीक है जी। कितने टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर है वो 16 है, कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लक्समबर्ग, रशिया, सऊदी अरेबिया, US, UK, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, अपना मित्र यहाँ पे नहीं है, तो पाक को मारो गोली यहाँ पे है नहीं, मौज करो। अभी जो हमारा एक संस्था है कौन सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, वो भी यहाँ पर इसके साथ मिलकर काम करती है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बना दिया गया है। तो हमारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उसको, ये एक वैधानिक संस्था है, यानी कि एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, अब एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, काम क्या सौंपा था, आपका काम है कि ये ऊर्जा दक्षता हब है ना, इसके साथ मिलकर काम करो, इसको कार्य, इसके जो भी नियम होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसे लाया गया था। तो BE का आपको समझ में आ गया कि बी का काम क्या है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ये एक वैधानिक एजेंसी है, इसका काम है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है उसकी भागीदारी के लिए जो भी काम होंगे
उनके लिए काम करेगी बी यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के बारे में देख लिया, 2020 में लाया गया था। टोटल देश कितने हैं, 16 देश हैं, भारत इसका मेंबर है। इससे पहले क्या था, IPEEC इससे पहले था, अब इसकी जगह ये आ गया। ये चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत इससे सीख सकता है, जो सदस्य देश है उनके साथ मिलकर सहयोग कर सकता है, जो अच्छी प्रैक्टिस है उनसे सीख सकता है, जो भी भारत की प्रौद्योगिकी वगैरह है उनको बढ़ावा दे सकता है, जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान है उसे भी दे सकता है, जो कम कार्बन की अर्थव्यवस्था है उसको गति दे सकता है। तो भारत इससे काफ़ी सारे महत्व है, भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व है। पॉइंट याद रखना, अन्य देशों के साथ सहयोग कर सकता है, विशेषज्ञता को साझा कर सकता है, बेस्ट प्रैक्टिस है उनसे सीख सकता है, जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे सकता है। तो ये भारत के लिए महत्व है। चीज़ें समझ में आ गई, क्वेश्चन है इसे देख लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शॉर्ट न्यूज़ में। शॉर्ट न्यूज़ में क्या है, पहला है वो है एक पोर्टल के बारे में। पोर्टल का नाम है GQRCP। पोर्टल का नाम क्या, GQRCP। GQRCP एक पोर्टल है। इस पोर्टल का उपयोग करके जो HIV होता है ना उसका पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की गई है। GQRCP एक पोर्टल है। इस पोर्टल का उपयोग करके जो HIV होता है उसका पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की गई है। तो ये GQRCP ये रिसर्चर्स थे, उन्होंने HIV का पता लगाने के लिए जी का मतलब होता है, GQ का फुल फॉर्म है जी क्वाड्रप्लेक्स टोपोलॉजी टारगेट रिलायबल कन्फर्मेशनल ये पॉलीमॉर्फिक्स, ये GQRCP की फुल फॉर्म है। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि GQRCP एक फुल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से HIV वायरस होता है उसका पता लगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये किसने विकसित की है, तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, किसने विकसित की है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर द्वारा डेवलप किया गया है। तो GQRCP जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करके HIV का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है, जवाहरलाल नेहरू केंद्र है उनके द्वारा विकसित की गई है। इसरो का बात है, इसरो ने नहीं की है, बाकी किसी संस्था ने नहीं की है, तो ये जवाहरलाल नेहरू केंद्र है उनके द्वारा विकसित की गई है। कहाँ आधारित है, बेंगलोर आधारित है। इसमें बैक्टीरिया से जनित को रोग हो, वायरस से जनित को रोग हो, या जो हमारे DNA होता है उसके आधार पर रोग हो, RNA है उसके आधार पर कोई रोग, उन सब के बारे में पता लगाया जा सकता है। DNA हो चाहे RNA हो, किसी भी प्रकार का रोग हो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ये फ्लोरोमेट्रिक पहचान की विधि को यूज़ करता है। तो ये पूरा आर्टिकल था GQRCP प्लेटफॉर्म के बेस पे एक तकनीकी बनाई गई है उसके बारे में, किसके बारे में पता करेगी, ये HIV के बारे में पता करेगी। ठीक है जी, समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट है, ठीक है, एक इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 2025 का इंडेक्स है। कौन जारी करता है इसको, इसको थिंक टैंक एक जर्मन वॉच, एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन तीनों के द्वारा जारी किया जाता है। नाम ऐसे ही याद रखना, कोई बड़ी संस्था नहीं आ रही है, ठीक है, इसमें थिंक टैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI को कौन जारी करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कितने देश शामिल है इसमें, टोटल 63 देश शामिल है। पहला स्थान किसी को नहीं मिला है, दूसरा स्थान किसी को नहीं मिला है, तीसरा स्थान भी किसी को नहीं मिला, चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, भारत को मिला है 10वां स्थान। क्या किस चीज़ों पर फोकस करता है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करता है, एनर्जी के यूज पे फोकस करता है, जलवायु के लिए पॉलिसी के पर फोकस करता है। 63 देशों को टारगेट है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। टोटल देश कितने हैं, 63 देश है। भारत को कौन सा स्थान मिला, 10वां मिला है। चौथा स्थान डेनमार्क है, पहले 3 स्थान किसी को नहीं मिले, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, नवीकरण ऊर्जा और ऊर्जा के उपयोग को फोकस करता है ये। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है AI डेटा बैंक के बारे में।
विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक है वो लॉन्च कर दिया गया है। क्या उद्देश्य है, क्यों लॉन्च कर दिया है? पहला तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक, ठीक है। उद्देश्य क्या है? रिसर्चर्स होते हैं यानी शोधकर्ता होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स है, स्टार्टअप्स है, डेवलपर्स होते हैं, उनके पास में अच्छा डेटा पहुंचे इसके लिए ये काम करेगा। क्या, कौन काम करेगा इसके लिए? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक है वो इसके लिए काम करेगा। इसके माध्यम से सैटेलाइट है, ड्रोन है, IoT है, इन सब के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को ये बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था AI डेटा बैंक के बारे में, बस यही है, सार्वजनिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन में भी हेल्प करेगा। तो AI डेटा बैंक भारत का पहला AI डेटा बैंक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, काम हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है माइक्रोवेव डॉपलर रेडार के बारे में। माइक्रोवेव डॉपलर रेडार है, उसके नए नियम जारी किए हैं। किसने नए नियम जारी किए हैं? ये उपभोक्ता मामलों के विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा माइक्रोवेव डॉपलर रेडार के उपकरण के जो नियम होते हैं वो जारी किए। किसके तहत जारी किए? ये कानून माप विज्ञान के नियम है 2011, इसके तहत जारी किए, यानी कि उपभोक्ता मामलों के जो विभाग है उसके द्वारा माइक्रोवेव डॉपलर रेडार जो उपकरण होता है उसके लिए नए नियम जारी किए हैं। मामला याद रखना कि किसने जारी किए? उपभोक्ता मामलों का विभाग द्वारा माइक्रोवेव डॉपलर रेडार के लिए नए नियम जारी किए, पहला पॉइंट समझ में आ जाना। अब माइक्रोवेव डॉपलर रेडार होता क्या है? तो ये जो माइक्रोवेव डॉपलर रेडार है ना, ये एक प्रकार का उपकरण है, रेडार है, जो किसी वस्तु की गति, स्थान, दूरी को बताने के लिए डॉपलर प्रभाव होता है उसका यूज करता है, इसलिए इसे माइक्रोवेव डॉपलर रेडार कहा जाता है कि उसकी कितनी गति, इस प्रकार से ये काम करता है। हेल्प क्या मिलेगी इससे? हेल्प यही मिलेगी कि हमें मौसम विभाग को समझ पड़ेंगे, हमारा मौसम है, विज्ञान है, वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ में एरोप्लेन की जो होती, फ्लाइट की जो यातायात होती, उसे ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी, मिसाइल वगैरह में भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जॉर्जिया के बारे में, प्लेस इन न्यूज से संबंधित है। जॉर्जिया की आप लोकेशन देख लो, ये रहा जॉर्जिया, ब्लैक सी से बाउंड्री लगती है। ब्लैक सी से कौन कौन से देशों से बाउंड्री लगती है इसके बारे में वीडियो देख लेना, और आपको पता होना चाहिए ब्लैक सी से किस किस देशों की बाउंड्री लगती है। UPSC इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है 3 बार, ठीक है, UPSC का फेवरेट टॉपिक है, ब्लैक सी से किस किस देशों से बाउंड्री लगती है। द बर्गर, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है, तो याद रखना। जॉर्जिया से किस किस देशों की बाउंड्री लगती है? रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, 4 देशों से बाउंड्री लगती है। तबलिसी इसकी कैपिटल है, ब्लैक सी से बाउंड्री लगती है, ठीक है जी। रशिया ऊपर आ गया, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, ब्लैक सी, टर्की के इधर देख लो कौन कौन से देश है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, स्वतंत्रता सेनानी थे, पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, आयरन मैन ऑफ इंडिया नेता के नाम से जाना जाता है, ये इनके बारे में कुछ जानकारी थी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।